नमस्कार मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में लगी आग, देखते ही देखते जलकर खाक हो गई इलेक्ट्रिक स्कूटी। स्कूटी चालक ने बामुश्किल कूद कर जान बचाई, हादसे में स्कूटी चालक का हाथ झुलसा। शाहजहांपुर में 7 मई और 13 मई को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। 7 मई को पड़ोसी जनपद बरेली में होने वाले मतदान को लेकर सीमा से सटे इलाके की दुकानें होंगी बंद। 13 मई को शाहजहांपुर में होने वाले मतदान को लेकर भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सिंधौली थाना क्षेत्र के बरौरा गांव में कल हुई हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। भतीजों ने ही जमीन के लालच में चाचा को मारी थी गोली, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कटरा क्षेत्र में त्रैमासिक योग शिविर का हो रहा आयोजन। शिविर का उद्घाटन स्वामी धर्मदेव प्रभाकर जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग शिविर में शिक्षिका पवन यादव ने छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराकर योग का महत्व बताया। और शाहजहांपुर के रौरा गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड क्लिनिक का हुआ आयोजन। इस मौके पर गरीब मजदूर और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। तो ये थी दिन भर की हेडलाइन और उसके बाद में अब दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों की तमाम समस्याओं को लेकर असंगठित मजदूर यूनियन उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर इकाई ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए मजदूरों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण कराए जाने की मांग की है। कलान पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी कर एतमादपुर के रहने वाले पिंकू को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 60 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई है। इसके अलावा शराब बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन भी पुलिस को मिले हैं। कटरा पुलिस ने स्मैक तस्करी कर रहे दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर बरेली जनपद के रहने वाले राशिद और अफजल हैं। दोनों के पास से पुलिस ने 150 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो वहीं पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल की जा रही पंजाब नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। सिंधौली थाना क्षेत्र के बरौरा गांव में कल जमीन के लालच में भतीजे द्वारा चाचा की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों हत्यारे भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्यारोपियों के पास से 315 बोर और 312 बोर के तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि कल जमीनी विवाद को लेकर लेखराम की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप लेखराम के भतीजे गुड्डू और संतोष पर लगा था, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोजा पुलिस ने गैंगस्टर के मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त उल्लियापुर गांव का रहने वाला रजनीश यादव है, जिसके खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। वहीं कार्रवाई के बाद से रजनीश फरार चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते चंद मिनटों में इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते धू धू कर स्कूटी जलने लगी। स्कूटी सवार ने कूद कर बामुश्किल जान बचाई। गनीमत रही कि इस घटना में स्कूटी सवार हताहत नहीं हुआ। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज के सामने की है। लोकसभा चुनाव को लेकर शाहजहांपुर में 7 मई और 13 मई को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आपको बता दें कि 7 मई को पड़ोसी जनपद बरेली में मतदान होना है, जिसको ध्यान में रखते हुए बरेली जनपद की सीमा से सटे हुए 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी शराब की दुकानें 6 मई शाम 6 बजे से लेकर 7 मई के दिन मतदान समाप्त होने तक बंद रहेंगी। तो वहीं शाहजहांपुर में 13 मई को मतदान होना है, जिसको ध्यान में रखते हुए 11 मई शाम 6 बजे से 13 मई को मतदान समाप्त होने तक दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा
4 जून को होने वाली मतगणना के दिन भी शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने दी। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन कर कहीं भी शराब की बिक्री होना पाई जाती है तो संबंधित अनुज्ञापी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भावलखेड़ा विकासखंड के रौरा गांव में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड क्लिनिक का स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय सायामपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र के गरीब मजदूरों और किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर अपर जिला जज और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीयूष तिवारी और स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर ओझा सहित कई विधि विशेषज्ञ और कॉलेज के छात्र और छात्राएं मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव और ददरौल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर प्रशासन अपनी सभी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है। आज प्रेक्षकों, प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की मौजूदगी में दूसरा रैंडमाइजेशन कराया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह और सामान्य प्रेक्षक बाबूलाल गोयल भी मौजूद रहे। इसके अलावा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता भी मौजूद थे। कटरा क्षेत्र के स्वामी धर्मदेव प्रभाकर जनता इंटर कॉलेज में त्रैमासिक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर योग शिक्षिका पवन यादव ने छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराकर उनके महत्व के बारे में भी बताया। इस दौरान बताया गया कि योग को अगर दिनचर्या में शामिल कर लें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभदायक होगा। योग शिविर में शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी हिस्सा लिया।